बहराइच कांड पर मचा बवाल, मृतक रामगोपाल मिश्र के परिजनों से मिले सीएम योगी, बसपा चीफ मायावती के कैसे सवाल। यूपी के बहराइच कांड को लेकर बवाल मचा है। बहराइच में बीते रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की गोली लगने से जान जाने के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। इधर मारे गए शख्स रामगोपाल मिश्र के परिजनों से सीएम योगी ने मंगलवार को मुलाकात की। मामले को लेकर सीएम योगी ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सपा से लेकर बसपा तक घटना को लेकर योगी सरकार पर हमलावर हैं, साथ ही तरह तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। इस बीच अब बसपा चीफ मायावती ने योगी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं, साथ ही मायावती ने योगी सरकार को बड़ी नसीहत भी दी है। मामले को लेकर बसपा चीफ ने एक्स पर पोस्ट में कहा है, यूपी के बहराइच जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति का खराब होकर काबू से बाहर हो जाना चिंताजनक। ऐसे हालात के लिए शासन प्रशासन की नीयत व नीति पक्षपाती नहीं बल्कि पूरी तरह से कानूनवादी होनी चाहिए, ताकि संबंधित मामला गंभीर ना होकर यहां शांति व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। साथ ही त्यौहार कोई भी व किसी मजहब का हो, शांति व्यवस्था सरकार की पहली जिम्मेदारी है। ऐसे अवसर पर विशेष प्रबंध जरूरी, यदि ऐसी जिम्मेदारी निभाई गई होती तो बहराइच की घटना कभी भी घटित नहीं होती। सरकार हर हाल में अमन चैन व लोगों के जानमाल व मजहब की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इसके साथ ही मामले को लेकर मृतक रामगोपाल के परिवार ने क्या कुछ मांग की है, सुनिए। अपना तकलीफ कहाँ बताऊँ उनसे, नहीं कहा कि हमारे लड़का कहा मारा गया, तड़पाए तड़पाए गोली से मारा गया है, समझो तो उनके सजा दें जाए, उनके जिंदगी में हमारा परिवार नष्ट किनका है तो किनकी सजा देंगे। वहीं हिंसा की घटना के बाद से स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन प्रशासन शांति व्यवस्था को लेकर मौके पर मुस्तैद है। बताया जा रहा है कि आधार कार्ड देखकर लोगों की एंट्री दी जा रही है, इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। देखिए हालात कैसे हैं और इसको लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ बताया, सुनिए। बहराइच में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, घटना के उच्च स्तरीय जाँच के निर्देश दिए गए हैं। जाँच रिपोर्ट आने पर यदि कहीं पीछे से कोई षड्यंत्र है उसकी भी जांच हो रही है, और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी भी जांच हो रही है। किसी को भी बख्शा नहीं कहा जाएगा, जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं, पीड़ित परिवारों को जो असीम वेदना पहुंची है वो बहुत दुख देने वाली है। जो भी पीड़ित है हमारी सरकार उसके साथ है। समाजवादी पार्टी को आप जानते हैं कि दंगा फसाद उनके डीएनए में है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर के। सर एक और बड़ा अहम सवाल है, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों का जो उपचुनाव होना है उसको लेकर के आज इलेक्शन कमीशन की बैठक में बताया जा रहा है तारीखों का ऐलान। अभी मुझे जानकारी नहीं है, आपको हो तो आप बताओ अपने चैनल पे तो हम फिर बताएंगे। एक आखिरी सवाल है सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो खाने में थूकने की वीडियो सामने आया था उसको लेकर के दो अध्यादेश अभी जैसे ही अध्यादेश का विषय वस्तु आपके समक्ष जब रखने का अवसर होगा तो आपके सामने हम रखेंगे।